जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं हमारे डीफार्मा जितने भी भाई हैं उनके प्रैक्टिकल के न्यूज के बारे में। देखिए, आपका एग्जाम अच्छे से खत्म हुआ होगा, आशा करते हैं। आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में हमको नोटिस आ गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पूरा डिस्कस फुल करने वाले हैं, क्योंकि यानी कब होगा, कब से होगा, कितने दिन तक चलेगा, यदि प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट नहीं है तो क्या करें, ये सारी जानकारी सब कुछ हम इसमें डिटेल में कवरअप करने वाले हैं। और कितने डेट के बीच में होगा इसे भी हम कवरअप करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आपका बीटी बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट न्यूज़ जारी किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया डिफार्मा के जितने स्टूडेंट पे प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा। ठीक है, यदि आपको नोटिस नहीं मिली है तो आपने कॉलेज पे कांटेक्ट करिएगा कि कब होगा। ये सारी न्यूज़ को आपको यानी आपको अच्छे से एकदम से एनालाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, इसमें हम आज इंक्लूड करने वाले कब से एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम कितने दिन तक चलेगा। नहीं, आपका देखा ना कितने लोगों को यानी 6 सब्जेक्ट है। ठीक, मान लेते आप कम यानी सेकेंड ईयर में तो 7 सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में तो 5 सब्जेक्ट उपलब्ध है। अब पांचों सब्जेक्ट का हर एक दिन होगा तो लगभग लगभग 5 दिन लग जाएगा। ठीक है, और सात यदि सातों सब्जेक्ट का देखा जाए इनमें किया जाएगा तो 7 यानी 7 दिन इसमें लग जाएगा। मगर इतना दिन हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, उसी को हम देखने वाले कितने दिन के अंदर ख़त्म होगा। तो चलिए अपने जो न्यूज़ जारी किया गया उनके पीडीएफ के तरफ रुख करते हैं। तो ये आपके सामने उसका प्यारा सा नोटिस है, इसमें कहा क्या गया है, ये कब जारी किया गया है, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 16/7/2024 यानी 16/7/2024 को ये जारी किया गया है। इसमें कहा क्या गया है, ठीक, लिखा डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम बैक पेपर, ठीक है, वार्षिक परीक्षा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा, ठीक है, प्रयोगात्मक परीक्षा जून 2024 के संपन्न कराने जाने के संबंध में, मतलब जिन्हें हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनका चाहे बैक पेपर लगा हो, ठीक है, उनका प्रयोगात्मक परीक्षा है, या आप वार्षिक जो परीक्षा दे कर रहे हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बारे में ये नोटिस दी गई है। इसमें लिखा क्या गया, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखा महोदय ने लिखा, कृपया उपरोक्त विषय परिषद की आहूत परीक्षा समिति दिनांक 14 का दिनांक, ठीक है, 14/6/2024 के लिए गए निर्णय, मतलब ये देखो 16 को ये नोटिस जारी की गई थी, 14 को उनकी कमेटी बैठी थी और उसमें निर्णय लिया गया कि इन्हीं इन्हीं के डेट के बीच में कराया जाए। तो यानी 14 को जो बैठक हुई थी यानी उसमें कहा गया डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम 2024, मतलब जो 2023 और 2024 का बैच है, ठीक, उनके लिए क्या कर रखा है, 24 जून की प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 16/6 यानी 16/7 कितने 16/7/2024 से लेके 31/7/2024 के बीच में संपन्न करानी है। कब, याद रखिए 16 से लेके 31 यानी जो आपका जुलाई चल रहा है इसी में हमें आपको टोटल टोटल खत्म करा देनी है। ठीक है, संपन्न कराने जाना निर्धारित किया गया। ठीक, लिखा उक्त के अनुक्रम में डिप्लोमा इन फार्मेसी के प्रयोगात्मक परीक्षा निर्णय यानी नियुक्त किए गए शिक्षकों का वितरण संस्था लॉगिन और तुम्हारे पास यानी लिखा परीक्षा लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई है। मतलब कह रखा है जो आपके एग्जामिनर आएंगे वो आपके कॉलेज पे नोटिस भेज दी गई कि इस कॉलेज पे, मान लेते ये कॉलेज है, ठीक है, इस कॉलेज पे कितने एग्जामिनर जाने वाले हैं, क्या नाम है, उनका सब कुछ ब्यौरा आपके कॉलेज पर भेज दिया गया है। अब ये लिखा गया है यानी 16 से लेकर 31 के बीच में, अब ये कॉलेज वाले आपको चाहे जब इनके बीच में आपको कराना ही कराना, वो चाहे जब बुला सकते हैं। ठीक, आप कहेंगे देखिए बहुत सारे कॉलेज में 20 को ही बुला लिया जाएगा, किसी को यानी 21 को बुला लिया जाएगा, किसी को 22 को बुला लिया जाएगा, किसी को 25 को, किसी 28 को, मतलब इन्हीं के बीच में उन्हें बुला देना है। यदि अब इसमें क्या लिखा, लिखा शेष आवंटन प्रक्रिया, ठीक है, शेष आवंटन प्रक्रिया इसमें कह दिया गया है, शेष आवंटन प्रक्रिया, अब यहां देखिए सबसे नीचे देखिए इसमें क्या लिख रखा है, शेष आवंटन यानी प्रक्रिया 2 कार्य दिवस में पूर्ण की जाएगी। मतलब इसे यदि देखा जाए, ठीक, इसे देखा जाए तो कितने दिन में आपको पूर्ण कराना है, यानी 2 डेज में, मतलब 2 दिन के अंदर इन्हें क्या कर देना है, इस प्रयोगात्मक परीक्षा को खत्म कराना है। किसी ना हर हाल में इन्हें क्या कर देना है, 2 दिन के अंदर इन्हें खत्म कराने की जरूरत है। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। ये हो गया इनके बारे में, याद रखिए दोबारा बता दे रहे हैं 16 से 31 के बीच में इन्हें प्रयोगात्मक परीक्षा करानी ही करानी है और इन्हें कितने दिन में, 2 दिन के अंदर इन्हें खत्म करा देने की रिक्वायरमेंट है, मतलब इतना के अंदर खत्म करा देना। ये हो गई। अब रही लास्ट बात में, आपकी यदि फाइल नहीं कंप्लीट हो तब सर क्या करेंगे, इसमें देखिए
डिपेंड करता है कॉलेज पे, ठीक है। कॉलेज वाले के पास आप वहाँ से जो, ठीक है, ओनर होंगे या प्रिंसिपल होंगे, उनसे आप बात करिएगा। यदि फाइल नहीं कंप्लीट है तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर में जो भाई हैं उनके लिए थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि अभी वो पूरा जानते नहीं कि कैसे ब्यौरा का सब चीज़ होता है। जब फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में गए हो तो फर्स्ट ईयर की पूरी हालत वो अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फाइल पर ज़्यादा जोर न दीजिएगा, ठीक। यदि आपका कंप्लीट है तब भी अच्छी बात, नहीं कंप्लीट है तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज वाले होते थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं, तो किसी से दे के भी करा सकते हैं फाइल। ऐसा कि नहीं अपने ही फाइल कंप्लीट करिए, किसी से भी आप करा सकते हैं, ठीक। ये हो गए, अब हो गया। सर वाइवा में क्या पूछेंगे? देखिए वाइवा में आपको टेंशन कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप पढ़े हैं उसी के अनुसार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कहेंगे सर वाइवा के लिए 50 MCQ 100 MCQ करा दिया जाए, तो ऐसा थोड़ी ना, वो कुछ भी पूछ सकता है। मतलब आपके सिलेबस के अनुसार, मान लेते हैं आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, या मान लेते हैं सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट से कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है। डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट का वो स्पेशल टीचर है। जैसे मान लेते बायोकेमिस्ट्री का टीचर है तो बायोकेमिस्ट्री से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन यानी एराइज पूछेगा, ठीक। ये हो गई। अब मान लेते सेकेंड ईयर में आपको सेफ यानी सेकेंड सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते फर्स्ट ईयर में HAP है, सोशल है, सुटिक्स है, कुग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तो इन सबके बीच में, ठीक है, इसमें से आपको सिलेबस से कहीं पूछ सकता है। वही दोबारा बता दे रहे हैं कि वो डिपेंड करता कि किसका वो प्रोफेसर है, ठीक। यदि मान लेते किस कुग्नोसी का प्रोफेसर रहेगा तो कुग्नोसी से हमेशा सालों साल पढ़ा रहा, उससे वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अराइव कर सकता है, और इसमें डरने की जरूरत नहीं है। रही आपके सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट, और 7 सब्जेक्ट में से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये हो गई, ठीक है। इनके होने के बाद देखिए वाइवा के साथ साथ आपके क्या हो गए, स्कूल के भी टीचर वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसमें चिंता करने के बाद डरना नहीं, नर्वस नहीं होना भाई, आराम से जाके आपको क्या कर देना है, सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक। ये रहा था आपके नोटिस, मतलब आप यदि, और दूसरी चीज़ बता दे रहे हैं, यदि कहीं अप्रेंटिस आप कर रहे हैं कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आप करते रहिए। जिस दिन आपका क्या होगा ये, ठीक है, जिस दिन आपका ये प्रैक्टिकल होगा उस दिन आप क्या करिएगा, वहाँ पूछकर या पहले ही बता दीजिएगा सर इतने दिन के हमारा इतने तारीख को हमारा प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, हमें जाना है, तो वो सब छुट्टी दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन की छुट्टी दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ कंसल्ट करिएगा, और बहुत सारे हमारे दोस्त भाई हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बहुत मेरे दोस्त भाई हैं वो कह रहे हैं सर हमें, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज पर क्या कर दिया, सी यानी कॉलेज से जो नोटिस मिली थोड़ा लेट मिली है, और उन्हें हॉस्पिटल पर प्रॉपर अमाउंट में सीट नहीं मिल रही है, ठीक है, सीट नहीं मिल रही। बहुत सारे कॉलेज यानी इस आप हॉस्पिटल में करें सीट हमारे यहाँ फुल हो गए, तो आप सीधे संपर्क करिएगा CMO से, ठीक है। CMO क्या होते हैं, जो मुख्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, उनसे कंसल्ट करिएगा, ठीक है, उनसे यानी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, किसी दलाल के थ्रू मत जाइएगा, नहीं तो पैसा वैसा उसमें लगने का चांस हो सकता है। तो CMA डायरेक्ट से CMO से आप बात करिएगा, ठीक है। CMO से बात करने के बाद मान लेते देखिए आप प्रैक्टिकल से संबंधित, देखिए मान लेते थोड़ा सा CSC वगैरह पे भी कर सकते हैं, मान लेते अब देखिए 3 महीने का अप्रेंटिस आपका, ठीक है, 3 मंथ का है, 3 मंथ के अंदर मान लेते अब न करें आप अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करें, तो आपका जनवरी में मान लेते 3 महीना कंप्लीट होगा, तो आपका क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिट एग्जाम है तो आप जो अक्टूबर में होने वाला उसमें आप यानी, ठीक है, यानी फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसी मंथ के, ठीक है, मतलब इसी में आपका करने के तुरंत बाद आप किसी न किसी हॉस्पिटल में लग जाइए। देखिए 3 महीना मतलब छोटे से हॉस्पिटल पे रखिए, 3 महीना आप वहाँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, एग्जिट एग्जाम देने के बाद आप क्या करिए, अच्छे से नॉलेज किसी बढ़िया हॉस्पिटल पर आप काम करिए, मगर किसी न किसी छोटे लेवल पर आप क्या करिए तैयारी, 3 महीना ये जो स्टार्टिंग में किया गया इसे आप करिए, ठीक है। नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, मान लेते कहीं कहीं कहते हैं ना अक्टूबर में करा दिया जाएगा, अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा, उसमें अब कर लेना, तो देखिए अक्टूबर से करेंगे, अक्टूबर जाएगा नवंबर दिसंबर 3 महीने इसमें जाएगा, मतलब फिर अब 6 महीने के बाद क्या होगा, एग्जिट एग्जाम आएगा, क्योंकि हर 6 मंथ के बाद का क्या होगा आपका एग्जिट एग्जाम होता है, 6 मंथ के बाद एग्जिट एग्जाम होता है, तो उसमें भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसी में करना आपका सुटेबल रहेगा, आपके लिए भी सुटेबल रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा। कितने लड़के ऐसे होंगे जो
हम मान लेते आज ही करें, जुलाई में किए ठीक है, जुलाई में किए, अगस्त में, सितंबर में, 3 महीने कंप्लीट हो गया, अक्टूबर में एग्जिट एग्जाम दे देंगे। मान लेते अक्टूबर का एग्जिट एग्जाम का ठीक है, जो रिजल्ट आएगा अक्टूबर या नवंबर के बीच में आ जाएगा, तो दिसंबर जनवरी तक, कितना, दिसंबर ठीक है, दिसंबर या जनवरी तक जाते जाते क्या कर सकते हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब सोच के क्या करिए, आप अप्रेंटिस कहीं भी कर लीजिए, आपको जब समय मिलेगा उसके बाद अच्छे से आप क्या करिएगा, किसी हॉस्पिटल में बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए, ये रहा आपकी पूरी जानकारी के बारे में, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।